हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 22 सेंटीमीटर इफ द लॉन्गर साइड मेजर 6.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मेजर ऑफ द शॉर्टर साइड। तो देखिए, यहां पर आपको पैरेमीटर गिवन है 22 सेंटीमीटर। अब आपको लॉन्गर साइड का वैल्यू भी गिवन है 6.5 सेंटीमीटर, और आपको निकालना है शॉर्टर साइड का वैल्यू। तो देखिए बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए जो पेरीमीटर होता है पैरेललोग्राम का वो क्या होता है। अगर हम चारों साइड्स को ऐड कर दें तो वो निकल के आता है पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, शॉर्टर साइड को आपको लेट करना है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं लेट द शॉर्टर साइड बी एक्स। ओके, तो बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हैं, पेरीमीटर के अंदर अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं। तो हम मान लेते हैं ये है आपकी लॉन्गर साइड, दैट मीन्स 6.5 सेंटीमीटर। तो ये भी आपकी 6.5 सेंटीमीटर होगी। शॉर्टर साइड आपकी x है, तो ये साइड भी आपकी x होगी। तो चलिए हम यहाँ पर निकाल लेते हैं पेरीमीटर, और पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल फोर साइड्स। ओके, तो सिंपली आप सभी साइड्स को ऐड कर लेंगे, x प्लस 6.5 प्लस x प्लस 6.5। ओके, और पेरीमीटर का वैल्यू आपको गिवन है 22, तो दैट मीन्स यहां से आपका निकल के आ जाएगा 2x प्लस 6.5 दैट मीन्स 13। तो बच्चों इसके बाद आप x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 22 में से आप माइनस कर देंगे 13, और ये आपका x का वैल्यू आ जाएगा। देखिए यहां पर आप सॉल्व कर लेंगे, 22 में से 13 गए तो कितने बचे 9, और ये आपका 2x, तो x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 4.5। ओके, दैट मीन्स 4.5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका सिंपल सा मतलब है, जो आपकी शॉर्टर साइड है वो कितनी होगी 4.5 सेंटीमीटर, क्योंकि आपने x को क्या माना था, शॉर्टर साइड लेट किया था, और यहां पर वैल्यू निकल के आ चुकी है 4.5 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इन ए पैरेललोग्राम एबीसीडी एंगल डी इज इक्वल टू 135 डिग्री, डिटरमाइन द मेजर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। तो चलिए बच्चों अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आपको गिवन है एंगल डी इज इक्वल टू 135 डिग्री, और आपको वैल्यू निकालना है एंगल ए और एंगल बी का। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, पैरेललोग्राम के अंदर एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम यहां पर ले लेते हैं एडजेसेंट एंगल्स, एंगल डी और एंगल सी। तो आप यहां पर लिखेंगे एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी का वैल्यू आपको गिवन है, तो यहां पर पुट कर देंगे 135 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बच्चों एंगल सी का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। तो बच्चों एंगल डी का वैल्यू आपको गिवन है 135 डिग्री, और एंगल सी का वैल्यू आपने यहां से फाइंड कर लिया, ओके 45 डिग्री। और आप ये भी जानते हैं पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स आपके इक्वल होते हैं। तो अगर एंगल सी आपका 45 डिग्री है तो एंगल ए भी आपका 45 डिग्री होगा, और अगर आपका एंगल डी 135 डिग्री है तो एंगल बी भी आपका 135 डिग्री ही होगा। तो चलिए बच्चों, जो रूल आपने यहां पर अप्लाई किया है उनको यहां पर मेंशन कर देते हैं। इस रूल को आपने यहां पर अप्लाई किया है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि एंगल डी और एंगल सी का वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री के बराबर होगा अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं। इसके बाद हमने ये रूल अप्लाई किया है, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसका सिंपल सा मतलब है, एंगल सी का वैल्यू आपने निकाल लिया तो एंगल ए का वैल्यू भी उसी के बराबर होगा, और एंगल डी का वैल्यू आपको गिविन था तो आपने बोल दिया एंगल बी का वैल्यू भी कितना होगा 135 डिग्री। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, कंप्यूट एंगल बी एंगल सी एंड एंगल डी। तो बच्चों देखिए, आपको एंगल ए का वैल्यू गिवन है 70 डिग्री,
और आप जानते हैं पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स आपके इक्वल होते हैं, तो अगर एंगल ए आपका 70 डिग्री है तो एंगल सी का वैल्यू भी कितना होगा, 70 डिग्री। और आप ये भी जानते हैं एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि आप एंगल डी और एंगल सी को ऐड कर सकते हैं, या फिर आप एंगल बी और एंगल सी को ऐड कर सकते हैं, या फिर आप एंगल ए प्लस एंगल बी कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एंगल ए का वैल्यू आपको गिवन है 70 डिग्री, ओके। अब यहां पर ले लेते हैं एंगल ए और एंगल बी को एज ए एडजेसेंट, तो एंगल ए प्लस एंगल बी आप करेंगे तो ये 180 डिग्री के बराबर आएगा, ओके। एंगल ए का वैल्यू गिवन है तो यहां पर लिख देंगे 70 डिग्री प्लस एंगल बी का वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगा, तो यहां पर एंगल बी का वैल्यू कितना आएगा, 110 डिग्री, ओके। तो जैसे ही आपके पास एंगल बी का वैल्यू आता है 110 डिग्री, तो आप बोल सकते हैं अपोजिट एंगल इन ए पैरेललोग्राम विल बी इक्वल, ओके। तो ये भी आपका 110 डिग्री होगा। तो इस तरीके से आपने चारों एंगल्स का वैल्यू फाइंड कर लिया। तो बच्चों जिस तरीके से हमने क्वेश्चन 5 में रूल्स को यहां पर लिखा था, यहां पर आप लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स, ओके, दिस रूल विल बी अप्लाइड। और आप यहां पर लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, यू कैन से सी इज इक्वल टू 70 डिग्री, और आप लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, दैट मीन्स 110 डिग्री। अब यहां पर अप्लाई करेंगे अपोजिट एंगल वाला रूल, है ना, तो उसको यहां पर मेंशन कर देंगे। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम।